एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सीधा आपको लेकर चलते हैं हल्द्वानी में जो घटना हुई है उसके बाद जिलाधिकारी वंदना सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुनिए। मैडम मैडम एक एक करके एक एक करके बता दूंगी घायलों की संख्या, कैजुअलिटी बता दूंगी वन बाय वन। मैडम घायलों की संख्या बता दीजिए। वो पीछे जो लोग खड़े, योगेश जी मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। घायलों की संख्या कैजुअलिटी और अभी क्या हालात क्या है ये बता दीजिए। ये बता दीजिए घायलों की संख्या कैजुअलिटी और अभी क्या हालात क्या है। महिलाएं और बच्चे कितने गंभीर रूप से घायल? हमारे जो नंबर्स हैं ये है ना इसमें, बताइए एसएसपी साहब वो वाला ले। देखिए जिस तरीके का ऑपरेशन हुआ और जिस तरीके कार्रवाई की गई है उसमें जैसा कि डीएमआई ने बताया किसी तरीके का अननेसेसरी फोर्स मींस के द्वारा यूज नहीं किया गया। जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं और जो भी वहां पर डेथ हुई है उसका सीधा सा रीजन मॉब के द्वारा स्टेट को चैलेंज करना है, थाना और पुलिस और प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला करना है। इसके क्रम में वहां बचाव में ये फोर्स यूज हुआ है। अगर घायलों की संख्या हम देखा जाए तो दो डेड बॉडीज अभी जो है एसटीएफ में मिली है, तो दो डेथ है जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि डेथ किससे हुई है, जिनका पोस्टमार्टम होगा कि अगली बार हम देखते हैं कि किस कैलिबर से कौन से वेपन से गोलियां चली उसके बारे में पता लगेगा। तीन इंजर्ड और आए हैं, तीन इंजर्ड में से एक जो है उसको गनशॉट इंजरी है और बाकी दो जो है उनको गनशॉट इंजरी नहीं है, तो हम वो भी चेक कर रहे हैं कि उन लोगों को इंजरी कहाँ से हुई है किससे हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का और उद्यमियों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बहुत नियर प्रॉक्सिमिटी में किसी का भी एक दूसरे से मुकाबला नहीं हुआ। तो ऐसी कोई इंजरी जो बॉडी पे किसी शार्प वेपन से आई है या किसी धारदार हथियार से आई है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई है, वो पुलिस प्रशासन के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की वजह से भी हुई है। तो अभी तक दो डेथ है, तीन जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं। डेथ गनशॉट से, डेथ गनशॉट से, दो जो डेथ है वो गनशॉट की डेथ है। देखिए जितनी बॉडीज हॉस्पिटल में पहुंची है और जो एरिया का हमने सैनिटाइजेशन किया है और जो वहां पर जितना हमने आज सुबह चेक किया है उसके बाद में किसी भी एरिया में कोई बॉडीज नहीं मिली है, और अभी हॉस्पिटल में सिर्फ दो बॉडीज मिली है जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है कर और बाकी तीन जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं उनका एसटीएफ में ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी के हालात क्या है, फोर्स कितनी लगाई गई है? अभी के हालात जो है सामान्य है, जो ये हल्द्वानी शहर है उसमें शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। फोर्स जो है उसकी पांच कंपनी जो है पैरामिलिट्री की आई है, पांच कंपनी पीएससी की आ रही है। इसके अलावा जो हमारा जिले का फोर्स है और कुमाऊं परिक्षेत्र से लगभग 400 के आसपास पुलिस कर्मचारी उधर लगे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो हल्द्वानी शहर में उस टाइम लगभग 1100 के आसपास पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। उनमें से कितनी गिरफ्तारी? एक एक सवाल लीजिए। नहीं नहीं, चिन्हित कितने गिरफ्तारी कितनी हुई है? ये एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ इसको। इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, क्योंकि हमने हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी हल्द्वानी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, तो हमको कृष्णा हॉस्पिटल से दो बॉडीज की सूचना मिली थी और एसटीएच से दो बॉडीज की सूचना मिली थी। उसके आधार पर प्रारंभिक सूचना चार की दी गई थी, जिसके साथ ये कहा गया था कि इसको वेरीफाई करा रहे हैं। जब बाद में उसको वेरीफाई कराया गया तो ये निकल कर आया कि कृष्णा हॉस्पिटल ने उनको एंटरटेन नहीं करके, क्योंकि ब्रॉड डेड थे, एसटीएच में भेज दिया था। तो वही दो बॉडीज जो है वो कृष्णा में भी काउंट हुई और एसटीएच में भी, उसके कारण ये चार का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अभी तक जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो दो देखिए कुछ उपद्रवी जो है उनको गिरफ्तार किया, कुछ उपद्रवी हमारे कब्जे में है, बाकी लोगों का चिन्हीकरण लोगों ने कर लिया। तीन एफआईआर इस मामले में रजिस्टर हो रही है और तीन एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में अभी हमारे कब्जे में चार उपद्रवी है जिन्होंने इस मोड में भड़काने का काम किया है और जो थाने पर करने का काम किया। चार उपद्रवी हमारे कब्जे। कितने लोग हो सकते हैं? देखिए अभी जो हमने चिन्हित किया अभी तक की जो है उसके हिसाब से लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सारे मौत को भड़काने का काम किया है, बनपुरपुरा और हल्द्वानी शहर में माहौल खराब करने की कोशिश की है और इस मौत को यूज करते हुए स्टेट को और जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश की है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम एफआईआर कर रहे हैं और जिसमें ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जितना भी सरकारी प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ है इनकी वसूली से की जाएगी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगे के लिए एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि कोई भी कम्युनिटी या कोई भी आदमी अगर स्टेट को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश करेगा या किसी सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला करेगा तो उनके खिलाफ स्टेट बहुत सख्ती से निपटेगा। ऐसे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे।
जैसा कि डीएम मैडम ने बताया, गोली चलाने से पहले इन लोगों के द्वारा कंटेनमेंट वेपन और इनके जो इलीगल आर्म्स हैं उनके द्वारा फोर्स के ऊपर गोलियां चलाई गई, उसी के बाद में गोली चलाने का आदेश दिया गया, चूंकि वहां पर गोलियां चल रही थी और दूसरे हमारे मजिस्ट्रेट के साथ में कुछ कर्मचारी थाने में फंसे हुए थे, उनकी जान बचाने के लिए और थाने में कब्जा लेने के लिए और उपद्रवियों को वहां से तितर बितर करने के लिए पैरों के नीचे गोलियां मारी गई, लेकिन कुछ उपद्रवी हो सकता है कि भाग टैंक गिर गया किसी वजह से उनके साथ किसी और गोलीबार में चोट लगी है, लेकिन अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से वहां पर स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से हमने कंट्रोल में ले लिया और हल्द्वानी शहर में अब माहौल हमारे कंट्रोल में है, हर तरीके शांति बनी हुई है। इंटरनेट बंद है, मीडिया कवरेज रोका जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या में थे, मैं मौके पे था, 200 से 250 लोग पत्थर मार रहे थे हमारी गाड़ियों पे, हमारे भी कई पत्थर लगे सर, और सिर्फ 4 ही लोग अरेस्ट हुए अभी तक। देखिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारी हल्द्वानी शहर को शांतिपूर्ण तरीके से बचाने की है, जैसा कि मैडम ने बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो उत्तर हुआ है उसका असर हम बाकी नैनीताल जिले में या उत्तराखंड में नहीं करना चाहते थे, इस वजह से हमारी सबसे प्राथमिकता यह है कि सभी लोगों को सुरक्षित तरीके से बचाया जाए। इसके लिए गांधीनगर का जो मिक्स पॉपुलेशन एरिया उसके साथ साथ में हमारा रामनगर है, लाल कुआ और ऐसे जितने भी सेंसिटिव एरिया जो मिक्स पॉपुलेशन है वहां पर हमने अपनी एक फोर्स बनाया और FIR रजिस्टर कर दी गई है, जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उत्तर दिया उनके खिलाफ अगले 24 घंटे में पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और ज्यादातर लोगों को बैठा के जेल भेजेगी। सर कितने लोग हैं सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया में बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी, बहुत सारे इस तरीके के रूमर फैल रहे थे जिससे कम्युनिटी में जो है कम्युनल हार्मोन डिस्टर्ब होने का चांस था, इस वजह से प्रिकॉशनरी तौर पर कुछ इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई है, जैसे स्थिति शांतिपूर्ण होती है इंटरनेट सर्विसेज वापस जो है सुझाव। अभी के हालात क्या है, एहतियात क्या इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बात तो सारा ऑपरेशन जो है फ्रंट पे एज SSP मैंने लीड किया है, जहां कहीं भी ऑपरेशन हुआ है मैं खुद मौके पे था, और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इतने भारी मौत के बीच, इतने भारी पथराव, इतनी गोलीबारी के बीच भी हमारा कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी पुलिस का कर्मचारी उस तरीके से इंजर्ड घायल या मृत नहीं हुआ है, हमने सबको सेफली बचाया, सबको सेफली रेस्क्यू किया है, और जैसा कि मैंने बताया कि जो अतिक्रमण स्थल था जहां पर अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था वहां पे किसी तरीके का इस तरह की घटना नहीं हुई, इन लोगों ने अतिक्रमण स्थल पर जो चिन्ह था उसको बचाने के लिए भी स्टेट को चैलेंज करने के लिए थाने का घेराव किया, थाने में जो कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की और उन कर्मचारियों को बचाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जिसके क्रम में वहां पर कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसे हम जांच कर रहे हैं कि लोगों की डेथ किस वेपन से किस के गोली चलाने से हुई। सर ये सवाल है, वो चैलेंज कैसे किया, पुलिस प्रशासन को चैलेंज किया लोगों ने, सर ऐसी क्या वजह थी, भड़का मंचा थी क्या, ऐसा गुस्सा था लोगों के भीतर जो पुलिस और प्रशासन इतना नाराज? देखिए गुस्सा कुछ नहीं है, कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है, कुछ लोगों की आदत होती है, वो किसी का कानून और किसी का अधिकार मतलब आदेश मानने को तैयार नहीं होते, ऐसे लोग ना संविधान की कदर करते हैं ना न्यायालय के आदेश की कदर करते हैं, और ऐसे लोगों को डील करना, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन सारी व्यवस्थाएं करता है, तो लोगों को इस चीज को दिखाने के लिए कि जिला प्रशासन है, राज्य में नियम कानून लागू होते हैं और संविधान के हिसाब से स्टेट चलता है, उसी के क्रम में सब कुछ किया गया था, और आगे भी इनको समझ दिया जाएगा कि जो भी संविधान का स्टेट को चैलेंज करेगा उसके खिलाफ जितनी भी कानूनी एजेंसियां हैं वो सख्ती से कार्रवाई करेगी। अरे मरने वाले कौन लोग हैं? तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आप देख रहे हैं, ये डीएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हल्द्वानी की घटना को लेकर की जा रही है, जो कैजुअलिटी हुई है उसको लेकर अपडेट करती हुई डीएम और ये बताती हुई कि हालात किस तरह के बने और क्यों बने। देखिए बहुत सारे आप पत्रकार हैं, आप लोग सभी सम्मानित व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, शहर में इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हमारी पहली प्राथमिकता इस वक्त हल्द्वानी शहर के हालातों को बिगड़ने ना देना है, किसी भी प्रकार की सेंसिटिव एक सेकेंड लेट मी कम्प्लीट, अभी मैं बता रही हूँ, वन बाय वन नुकसान का आता है।
नुकसान आप लोग शांत हो जाएंगे तो हम सबका जवाब देंगे। अगर आप लोग सब एक साथ बोलेंगे हम एक का भी जवाब देने की स्थिति में नहीं। फिर ब्रीफ कर दो आप लोग शांत होंगे तो मैं बात करता हूँ। मैं बिल्कुल धैर्य पूर्वक बैठी हुई हूँ। आप लोग शांत होंगे तो मैं बात करता हूँ। जो परिसंपत्तियों का जो नुकसान हुआ है, परिसंपत्तियों के नुकसान में मुख्य रूप से जो थाना है वो कम्प्लीटली डैमेज हुआ है। थाने में हालांकि किसी को घुसने नहीं दिया गया, उसको सेफ किया गया, लेकिन उसके जो खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ जो फर्नीचर है, वहाँ जो अन्य सामान है, इवन पीछे से मॉब के द्वारा हथौड़े और गन से भी उसको तोड़ने की कोशिश करी गई थाने को, तो वो एक नुकसान है। उसके अलावा जितनी भी हमारे व्हीकल थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी गाड़ियाँ थी, वहाँ पर जो नगर निगम की जेसीबीज थी, वहाँ जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन बाइक्स और व्हीकल्स के माध्यम से वहाँ गए थे उनको जलाया गया है। कुछ सार्वजनिक बसें वगैरह भी जलाई गई हैं। तो मीडिया कर्मियों की वही मैं ऐड कर दे रही हूँ, मीडिया कर्मियों की बाइक भी वहाँ पर जली हैं। मीडिया कर्मियों को वहाँ चोट भी लगी है और मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ सबके साथ है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना कहीं घटित हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी हैं सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लिया जाएगा। ये कम्युनल नहीं था, इसको कम्युनल ना बनाया जाए, इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए। किसी भी दूसरे कम्युनिटी ने या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ना तो रिटेलिएट किया इस चीज़ को लेकर, ना ही कोई ऐसा जो है धार्मिक जो है सिंबल्स जो हैं उनको प्रथम बार अटैक किया गया। एक घटना हमारे सामने ज़रूर एक मंदिर के सामने आगजनी की आई, लेकिन वो छुटपुट घटनाएं हैं। ये स्टेट मशीनरी को चैलेंज करने की कोशिश थी, राज्य सत्ता को और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश थी। इसको इसी के रूप में देखा जाए, इसी के रूप में निपटा जाएगा। हम लोग असेसमेंट करा रहे हैं सभी परिसंपत्तियों का, शाम को फिर ब्रीफिंग करेंगे। जो भी अपडेट शाम तक की होगी आपको दी जाएगी और लगातार हम आपको ब्रीफ करते रहेंगे। देखो अभी वर्तमान में शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। हमारी प्राथमिकता हल्द्वानी शहर में संवेदनशीलता को कम करना है। किसी भी प्रकार के मैटर को सेंसेशनलाइज करने की हमारी अभी प्राथमिकता नहीं है। कर्फ्यू सब पर लागू होता है। आपसे मैं सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। यदि दोपहर तक स्थिति सामान्य रहती है, किसी भी प्रकार का कोई और लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, हम आप सबको अलाउ करेंगे। हमारी मंशा आपको रोकने की नहीं है, आपकी सुरक्षा की है। कल रात जो पत्रकार वहाँ गए थे उन पर काफ़ी चोटें आई हैं। एक पत्रकार को मैंने हॉस्पिटल में जाके पर्सनली देखा, हेड इंजरी थी। तो पत्रकारों की सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है, इसी के लिए आपकी सुरक्षा को देखते हुए आपसे मैं समझदारी की अपेक्षा करता हूँ। आपको हम असेसमेंट करके आफ्टरनून तक का अगर हमें सही लगेगा तो वी विल अलाउ यू। अगर हमें आपके लिए सेफ लगेगा तो वी विल अलाउ यू। हम लोग आपको रोकना नहीं चाहते। तो ये देखिए तस्वीरें, इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं हल्द्वानी की तस्वीरें। डीएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने जानकारी दी है कि आखिरकार कितनी हानि यहां पर हुई है। तो देखिए छतों से भी भारी पथराव किया गया, थाने के अंदर पेट्रोल बम फेंके गए। डीएम की तरफ से जानकारी दी गई, थाने पर असलहे से फायरिंग हुई है। भीड़ ने थाने का घेराव कर लिया। जो हालात बने उसको लेकर डीएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई है और उन्होंने तमाम बातों को लेकर जानकारी साझा की। हल्द्वानी में जिस तरह से अतिक्रमण हटाने को लेकर कल हालात बने वो वाकई चिंताजनक रहे हैं। दंगाइयों ने जो उत्पात मचाया, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, दो लोगों की मौत भी हो गई है। इस कदर हालात कल बिगड़ गए कि प्रशासन को वहां पर आज कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। हालांकि प्रशासन सरकार का दावा यही है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया गया था।
लेकिन दुखद है कि दो लोगों की जान चली गई। कल की ये तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह की भी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जो पहली तस्वीर है वो कल रात की तस्वीर है जब यहाँ पर हालात बने, आगजनी की गई। जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई हुई थी और टीम पर ही हमला कर दिया गया। दंगाइयों ने टीम पर पत्थर बरसाए, आगजनी की। और अब ये चार तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर हिंसा के दौरान की हल्द्वानी की, दूसरी तस्वीर दंगाइयों पर एक्शन की हम आपको दिखा रहे हैं, गोली मारने के आदेश दे दिए हैं सीधे दंगाइयों को, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और भारी पुलिस बल की तैनाती है वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। एक्शन में इस वक्त सीएम धामी, वो तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं 3 मिनट में।